अगर 10 करोड़ का इंजेक्शन लग गया तो सारा फातिमा नाम की इस बच्ची की जिंदगी बच सकती है। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने अपने व्हाट्सएप पर, अपने अपने इंस्टा स्टेटस पर, ताकि उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार इस बच्ची के बारे में सुने, जान पहचान। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी नाम की इसे बीमारी है। 13 साल इसकी उम्र है, क्लास 5 में पढ़ती है और इसे इस बीमारी ने ऐसा पकड़ा कि घर वाले परेशान हैं। सोशल मीडिया पर इस बच्ची के लिए कैंपेन चल रहे हैं, लोग मदद की बात कर रहे हैं, इनके परिवार ने डोनेशन की बात भी की है, लेकिन कीमत बहुत बड़ी है उस इंजेक्शन की, 10 करोड़ रुपए। इस बच्ची के बारे में कहा था कि पढ़ने लिखने में अच्छी है, ऑनलाइन क्लासेस करिए, घर पर रह करिए, और इस बीमारी ने इसे परेशान कर रखा, परिवार बहुत दुखी है। उत्तर प्रदेश गाजीपुर की रहने वाली ये लोग हैं और जब चारों तरफ से उम्मीद नजर नहीं आई, क्राउड फंडिंग से डोनेशन इतना नहीं पूरा हो पा रहा था, तो इन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में हाजिरी लगाई, उनसे अपील की और मुख्यमंत्री ने हालांकि आश्वासन दिया है कि इस पर काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम लोगों से भी अपील कर रहे हैं, आशा है कि इनकी मदद की जाएगी और इस बच्ची की जिंदगी बच जाएगी, ये बच्ची अपना जीवन जी पाएगी, देख पाएगी। बहुत सारी खबरें ऐसी आती हैं, आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों तक बात पहुंचे, ज्यादा लोग बात करेंगे, ज्यादा लोग करेंगे, शायद सरकार पर थोड़ा दबाव बनेगा, सरकार भी कदम उठा सकती है, इस बच्ची की जिंदगी बचा सकती है।